उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में वारंटी को पकड़ाने गई। पुलिस टीम से हाथापाई कर वारंटी को उसके परिजनों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। यही नहीं, उल्टा पुलिस पर शराब पीकर बिना वारंट के गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस के साथ जमकर हाथापाई की और हाथापाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस को वारंटी को छोड़कर बेरंग ही लौटना पड़ा। वायरल वीडियो बीती रात का ही बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के साथ वारंटी के परिजन हाथापाई कर और शराब पीने के आरोप को चिल्ला चिल्ला कर बताते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वायरल वीडियो में वारंटी साइन का नाम लेकर उसके परिजन बिना वारंट के आरोप को ना ले जाने पर आमाद दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाकया बुलंदशहर कोतवाली नगर के मोहल्ला कासबान का है और वीडियो आज का ही बताया जा रहा है। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, आप खुद सुनिए। अभियुक्त वारिस के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एक NBW जारी किया गया था। उस NBW के तामिला में परसों रात में हमारी पुलिस टीम गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके परिजनों द्वारा वहां पर हंगामा किया गया। पुलिस को सरकारी कार्य से रोक दिया गया। एक वीडियो बनाया गया जिसमें वो लोग खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि शराब पिए हैं। इस प्रकरण की जानकारी में आते ही तत्काल इसकी जाँच की गई। इसमें शराब पीने के आरोप निराधार पाए गए और चूंकि ये सरकारी कार्य में बाधा डाला गया था, मुलजिम मौके से फरार हो गया था। इस संबंध को संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में थाना कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तार करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आला अधिकारी की माने तो उन्हें पता चला है कि पुलिस कर्मियों ने शराब नहीं पी थी। अब पुलिस ने वारंटी के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दाबिश डालने की कवायद शुरू कर दी है। जनपद बुलंदशहर से तेज निगाह के लिए रिजवान अंसारी की रिपोर्ट।